वेट लॉस करने के लिए करनी पड़ती है अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल से हटके रेगुलर एक्सरसाइज और फॉलो करना पड़ता है एक हेल्दी डाइट। लेकिन हम में से कितने लोग करते हैं या उनको इन सब चीजों पे ध्यान देने का भी वक्त है? बहुत कम। आखिर ये सब वही कर पाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पेशेंस है, क्योंकि इन सब चीजों में जरा वक्त भी लगता है और हम में से बहुत लोग उतने टाइम तक रेगुलर ऐसी हेल्दी रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते और फिर वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन हम सब चाहे जितने भी पेशेंट इरेगुलर या सुस्त हो, हम सोते जरूर हैं और सोते सोते अगर हमारा वेट लॉस भी हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। बट अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या करना है इसके लिए। रात को सोने से पहले प्रोटीन शेक पिए। रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि रात को प्रोटीन शेक पीने से हमारे शरीर के बहुत सारे कैलोरीज घट जाती है और ये हमारे मसल्स रिपेयर में भी मदद करता है। रोज 30 ग्राम से बनाया हुआ प्रोटीन शेक आपका मदद करेगा। रात को कम खाना खाइए। क्या आप जानते थे कि जब आप सोते हैं आपका दिमाग एक तरह का ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है जिससे आपकी कैलोरीज घटती है, लेकिन अगर आपने ज्यादा खाना खाया है तो ये नहीं होता है एंड आप मोटे हो जाते हो। सोने से पहले शराब ना पिए। पार्टीज तक ठीक है, लेकिन रोज सोने से पहले शराब ना पिए कम से कम 3 घंटे पहले, क्योंकि यह आपके साधारण नींद को पूरा नहीं होने देती जब आपका शरीर सबसे ज्यादा कैलोरीज कम करने में आपकी मदद करता है। रोज उसी वक्त पर सोने जाइए। अच्छी नींद तो तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल के भागदौड़ वाले जमाने में लेट नाइट फिल्म देखना और हाईटेक गैजेट्स ये हमें रात रात तक जगवाती है, लेकिन ये शायद हमें अनजाने में मोटा भी बना रही है। 7 से 8 घंटे की नींद हमारे शरीर से अनचाही कैलोरीज घटा देती है। क्या आपको पता था कि एक अच्छी नींद पतले होने के चांसेस को 20% से बढ़ा देती है? सोने से पहले कोई एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन सोने से पहले नहीं, कम से कम 4 घंटे पहले ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका दिल तेजी से दौड़ने लगता है और आपकी बॉडी जाग जाती है। ये सुबह की शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन अच्छे से नींद पाने के लिए अच्छी नहीं है। और जैसे मैं बता चुकी हूँ कि इससे आपका वजन घटेगा नहीं और उल्टा बढ़ेगा। बेडरूम के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद करें। रात को सोने से पहले और सुबह सुबह उठने के बाद पहले पहले हम अपना मोबाइल चेक करते हैं। ये सबकी आदत बन गई है, लेकिन शायद इसे हमें रोकना होगा। रिसर्च से पता चला है कि मोबाइल्स और अन्य डिवाइसेस की नीली रोशनी हमारे शरीर में नींद पैदा करने वाले हॉर्मोन्स यानी कि मेलाटोनिन को नहीं बनने देती, जो अच्छा संकेत नहीं है। और देर रात तक जाग के टीवी या मोबाइल देखने से हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो शरीर के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है और वेट लॉस करने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। बेडरूम को गर्म रखने से ज्यादा ठंडा रखें। ठंडे बेडरूम में सोने से आपका शरीर आपको गर्म रखने के लिए आपके शरीर के अनचाहे चर्बी का इस्तेमाल करता है और ये देखते देखते घट जाती है। बेडरूम के सारे लाइट्स बंद करके सोइए। पूरे अंधेरे में सोने से आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स पैदा होते हैं और आपको अच्छी नींद आती है, जिससे आपका कैलोरीज और अनचाही चर्बी घट जाती है। अंधेरे से डरने वाले शायद कहीं थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लाइट ऑन रख सकते हैं। तो देखा कैसे आप सोते सोते बिना ज्यादा कुछ किए आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।